यहाँ पर हम बात करें जैसे कि डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म की बात करें, डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें, ऑनलाइन बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली है जो वित्तीय संस्थान यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ग्राहकों को संस्थान द्वारा संचालित वेबसाइट पर वित्तीय ट्रांजेक्शन यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उदाहरण के लिए जैसे खर्चों में भुगतान, रोजमर्रा के बिलों का भुगतान, बीमा प्रीमियम का भुगतान, बैंक स्टेटमेंट आदि की अनुमति देता है। जैसे कि खुदरा यानी रिटेल बैंक, वर्चुअल बैंक, वित्तीय ब्रोकर जो फाइनेंशियल ब्रोकर होते हैं आदि, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। लगभग सभी बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं। यह परंपरागत जो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से अलग है, जहाँ ग्राहक अपनी सेवाओं का उपयोग करने के लिए बैंक शाखा में जाते हैं, तो उससे अलग है जहाँ पर सेवाओं का उपयोग करने के लिए लोग हैं बैंक शाखा में जाते थे। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए एक ग्राहकों को वित्तीय संस्थान यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में पंजीकरण कर क्रेडेंशियल प्राप्त करने होते हैं, और इसमें सामान्यतः उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड और ग्राहक सत्यापन यानी कस्टमर ऑथेंटिफिकेशन ऑथेंटेशन के लिए अन्य क्रेडेंशियल शामिल होते हैं। आज एक सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करने के अलावा ट्रांजैक्शन और सुरक्षित बनाने के लिए वित्तीय संस्थान के द्वारा ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है और एक पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को संबंधित वित्तीय संस्थान यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर जाना होता है, जहाँ आवश्यक जानकारियाँ प्रदान कर ग्राहक सभी आवश्यक सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आमतौर पर वित्तीय संस्थान ग्राहकों के द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन से संबंधित मैसेज और ईमेल ग्राहकों को भेजते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ, बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग ग्राहकों और बैंक दोनों के लिए कई फायदे प्रदान करती है। कुछ लाभ यहाँ पर दिए गए, जैसे कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग की फैसिलिटी हो सकती है। दूसरा है यहाँ पर जैसे ट्रांजेक्शन पर कम लागत और सामान्यतः लागत में कटौती, कम समय की लागत, बहुत सुरक्षित, पैसे तुरंत और सही जगह स्थानांतरित करना, घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और कई अन्य सेवाओं का लाभ लेना। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं, सर्विसेज थ्रू दी ऑनलाइन बैंकिंग। आज बैंक की लगभग सभी सेवाएं जो पारंपरिक बैंकिंग के साथ उपलब्ध हैं, उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ऑनलाइन उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ पर दिखाई, जैसे आधार प्रमाणीकरण यानी आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए बैंक खाता खोलना, अपने खाते की शेष राशि और स्टेटमेंट की जांच करना, अपने खाते से किसी और के खाते में धन स्थानांतरित करना, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, फिक्स डिपॉजिट में अन्य इन्वेस्टमेंट करना और उसका प्रबंधन करना, यूटिलिटी बिल, टेलीफोन और मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड के बिल इत्यादि का भुगतान करना, डिमांड ड्राफ्ट, चेकबुक के लिए अनुरोध करना, चेक का भुगतान करना, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक और अनब्लॉक करना, डेबिट कार्ड पिन पुनर्जनन, पिन रिजनरेशन के लिए अनुरोध करना, खाता खोले जाने की प्रक्रिया के बारे में बात करें। प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट, एक खाता खोलने के लिए आपको सबसे पहले उस खाते के प्रकार को तय करना चाहिए जिसे आप खोलना चाहते हैं, जैसे कि बचत खाता या सेविंग खाता या फिर चालू खाता, करंट खाता बोल सकते हैं, आवर्ती खाता यानी रिकरिंग अकाउंट आदि। एक बार फैसला करने पर आप निकट में बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं। बैंक के अधिकारी प्रपत्र फॉर्म को भरने में आपकी सहायता करते हैं और आपकी शाखा में एक बैंक खाता खोलने के लिए विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों के बारे में सूचित करते हैं। जैसे जनधन खाते के बारे में बात करें, प्रधानमंत्री जन योजना भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई थी और यह राष्ट्रीय योजना है। उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं जैसे कि बचत, जमा, बैंक खाता, प्रेषित धन, रिमिटेंस, क्रेडिट और इंश्योरेंस, पेंशन इत्यादि किफायती तरीकों से यानी अफोर्डेबल तरीके से पहुंचे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? यदि आधार कार्ड संख्या उपलब्ध है तो अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वयं प्रमाणीकरण पर्याप्त है। दूसरा, यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से कोई सी भी आधिकारिक वैध दस्तावेज आवश्यक है, जैसे मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में
आपको पता शामिल है तो यह पहचान का सबूत आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ दोनों के रूप में काम कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास ऊपर उल्लेखित आधिकारिक वैध दस्तावेज नहीं है लेकिन उसे बैंक द्वारा कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह विशेष दस्तावेज किसी एक को जमा करके बैंक खाता खोल सकता है, जैसे केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों, वैधानिक नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक क्षेत्र यानी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान यानी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा आवेदक की तस्वीर के साथ जारी पहचान पत्र। व्यक्ति को विधिवत रूप से सत्यापित फोटो के एक गैजेट अधिकारी द्वारा जारी पत्र होता है। भामाशाह सक्षम बैंक खाता यानी भामाशाह इनेबल्ड बैंक अकाउंट की बात करें, भामाशाह योजना की पहल 2008 में राजस्थान सरकार के द्वारा सीधे लाभ हस्तांतरण प्रदान करने के उद्देश्य की गई थी और यह देश में अपनी तरह का पहला प्रयास था। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट और प्रभावी सेवा वितरण यानी इफिशियंट सर्विस डिलीवरी है और यह पारदर्शी तरीके से लक्षित लाभार्थी को नगद कैश और गैर नगद नॉन कैश लाभों को स्थानांतरित करने के लिए एंड टू एंड सेवा डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। यह योजना वित्तीय समावेशन का एक परिवार आधारित कार्यक्रम है। यहाँ प्रत्येक परिवार को भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है और यह कार्ड कोर बैंक खाते में जुड़ा हुआ है जो परिवार की मुखिया यानी घर की महिला के नाम पर होता है। कार्ड बायोमेट्रिक पहचान और कोर बैंकिंग का उपयोग करता है। भामाशाह कार्ड के माध्यम से कई कैश बेनिफिट का उपयोग किया जाता है, उन्हें लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित किया जाता है और गैर नगद लाभ सीधे हकदार लाभार्थियों को दिया जाता है। भामाशाह योजना में नामांकन दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। ऑनलाइन नामांकन ई मित्र केशोक और भामाशाह पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। आधार नंबर के द्वारा आधार नंबर के साथ भामाशाह नामांकन किया जा सकता है। यदि आधार नंबर नागरिक के पास उपलब्ध नहीं है तो आधार पंजीकरण करवाने और अपडेट करने के लिए चयनित ई मित्र को केशोक पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। भामाशाह योजना के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ा जा सकता है और वे सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन डिजिटल भुगतान पद्धति या प्लेटफॉर्म की बात करें, एक डिजिटल भुगतान प्रणाली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान करती है। डिजिटल भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और कई अन्य भुगतान मोड यानी पेमेंट मोड के माध्यम से किया जाता है। भारत में कई डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म एवं भुगतान गेटवे उपलब्ध हैं जो ऑनलाइन डिजिटल भुगतान सुविधा प्रदान करते हैं और इन डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म भुगतान गेटवे को मर्चेंट्स द्वारा एकीकृत किया जाता है ताकि ग्राहक आसानी से भुगतान एवं वस्तु एवं सेवाओं की खरीद का भुगतान विधियों के साथ लाभ उठा सके। और इस खंड में हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपए कार्ड और पॉइंट ऑफ सेल मशीन का वर्गीकरण करते हैं। क्रेडिट कार्ड भुगतान की बात करें, क्रेडिट कार्ड एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड है जिसे किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था के द्वारा जारी किया जाता है जिससे धारक सामानों और सेवाओं को क्रेडिट पर खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पैसे का सबसे आसान रूप है जो लगभग उपलब्ध है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एक क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप हम देखें। भुगतान करते समय आपको अपनी भुगतान विधि के रूप में क्रेडिट कार्ड चुनने की आवश्यकता है। आपके द्वारा किए जा रहे क्रेडिट कार्ड को चुनने का विकल्प भी होगा, उदाहरण के लिए वीजा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि। सभी क्रेडिट कार्ड प्रकार के बॉक्स में सूचीबद्ध नहीं है जो मर्चेंट उस प्रकार के क्रेडिट कार्ड को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखें, विवरण दर्ज करने से पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक स्क्रीन और HTTP है। HTTP का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड होता है और लॉक और HTTP सुनिश्चित करते हैं कि जिस वेबसाइट का आप उपयोग कर रहे हैं वह सुरक्षित और सत्यापित है। तो लॉक और HTTP वेबसाइट पर होगा जरूर। नेक्स्ट हम देखें, अपना नाम दर्ज करें जैसा कि आपको क्रेडिट कार्ड पर दिखाई देगा। सत्यापित करने के लिए अपने नाम सही ढंग से दर्ज करें, क्रेडिट कार्ड को देखें, उसके बाद क्रेडिट कार्ड की जानकारी दर्ज करें। क्रेडिट कार्ड के नंबर 16 अंक के होते हैं, समाप्ति तिथि, एक्सपायरी डेट, सुरक्षा कोड, CVV नंबर होता है। आमतौर पर क्रेडिट कार्ड नंबर के बाद कार्ड के पीछे 3 अंकों की सुरक्षा कोड मुद्रित होता है। अपने क्रेडिट कार्ड के लिए बिलीय पता दर्ज करें और यह पता जिस पर आप अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट प्राप्त करते हैं। ध्यान दें कि यह पता शिपिंग पते में से भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपके स्टेटमेंट पोस्ट ऑफिस पर प्राप्त होते हैं लेकिन आप अपने ऑर्डर को घर में भेजना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी को उपहार के रूप में भेजना चाहते हैं
जब आप भुगतान बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होता है और पंजीकृत पृष्ठ पर ओटीपी को दर्ज कर ट्रांजेक्शन पूर्ण होता है। ट्रांजेक्शन के सफल समापन पर आपको ट्रांजेक्शन संदर्भ संख्या प्राप्त होती है और आपको इसे संदर्भ देश के लिए संभाल कर रखना होता है। आपके द्वारा किए गए भुगतान के साथ किसी भी तरह के मामले में यह उपयोगी है। डेबिट कार्ड की बात करें, एक डेबिट कार्ड जिसे बैंक कार्ड या फिर चेक कार्ड भी कहा जाता है, एक प्लास्टिक का भुगतान कार्ड होता है जिसका इस्तेमाल खरीदारी करते समय नकदी के बजाय किया जाता है और यह क्रेडिट कार्ड के समान होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के विपरीत कोई भी ट्रांजेक्शन करते समय धन सीधे आपके अकाउंट में ही डेबिट हो जाता है। फिर हम देखें भुगतान करने की शर्त, हम देखें जैसे कि सुनिश्चित करें कि आपके खाते में पर्याप्त पैसा है। पहला, मर्चेंट वेबसाइट आपको भुगतान विधि चुनने के लिए कहेगी। आपको अपनी भुगतान विधि मेथड के रूप में डेबिट कार्ड चुनने की आवश्यकता होगी। कुछ मामलों में मर्चेंट वेबसाइट अपनी भुगतान गेटवे पर प्रदर्शित करते हैं। विवरण दर्ज करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक स्क्रीन और HTTP और HTTPS का अर्थ हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर्ड होता है, और लॉक और HTTP सुनिश्चित करते हैं कि जिस वेबसाइट का उपयोग करते हैं वह सुरक्षित। अपना कार्ड नंबर CVV नंबर दर्ज करें। आपको अपने कार्ड की समय सीमा समाप्त होने वाले महीने और वर्ष को दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। कार्ड धारक का नाम भी आवश्यक हो सकता है। CVV और संख्या आपके कार्ड के पीछे एक 3 अंकीय होती है। इसे 4 अंकों की संख्या को दाईं ओर रखा जाता है। 4 अंकों की संख्या कार्ड संख्या की अंतिम 4 अंकीय संख्या होती है। आपको ट्रांजेक्शन प्रमाणित करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता हो सकती है। OTP का विकल्प उपलब्ध होता है। यदि आप यह विकल्प चुनती हैं तो आपको बैंक से पैसे या ईमेल, जैसा कि आपने चुने गए विकल्प के अकॉर्डिंग देखें, एक पासवर्ड दिया जाएगा और पासवर्ड केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। तो पासवर्ड एक बार ही उपयोग किया जाएगा। तो आपने यहाँ पर हम देखें, केवल सीमित अवधि के लिए ही वैध होगा पासवर्ड। आप अपने बैंकों के ट्रांजेक्शन के सफल समापन पर एक ट्रांजेक्शन अपडेट प्राप्त करते हैं। आपके द्वारा किए गए भुगतान के साथ किसी तरह के मामले में यह उपयोगी हो सकता है। फिर हम देखेंगे रुपे कार्ड भुगतान। रुपे पेमेंट का एक संयोजन है। भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया, लॉन्च किया गया है। यह कार्ड डेबिट कार्ड का एक भारतीय संस्करण है। यह देश में भुगतान प्रणालियों के एकीकरण के इरादे से बनाया गया है। रुपे डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप देखें। मर्चेंट वेबसाइट पर जाएं। रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए वेबसाइट पर कोई उत्पाद ढूंढें। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद भुगतान पृष्ठ पर जाएं और भुगतान विकल्प के तहत भुगतान कोड के रूप में फॉरवर्ड कार्ड करें। विवरण दर्ज से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक स्क्रीन और एक HTTP है। HTTP का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। लॉक एंड HTTP सुनिश्चित करने के लिए जिस वेबसाइट का आप उपयोग कर रहे हैं वह सुरक्षित और अप्रत्याशित है। प्रथम ट्रांजेक्शन की बात करें, पहला ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से पहले कार्ड धारक को ई कॉमर्स के सक्षम करने के लिए रुपए कार्ड को पंजीकृत करना होगा। कार्ड धारक को भुगतान स्क्रीन पर सभी उचित रुपए कार्ड विवरण करने के लिए कार्ड नंबर सीमित तिथि होती है उसके पीछे। बैंक के साथ पंजीकृत कार्ड धारकों के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। ग्राहक OTP को वार्षिक प्राप्ति के लिए विकल्प या तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का चयन कर सकते हैं। ग्राहकों को बैंक के साथ पंजीकृत मोबाइल फिर पंजीकृत मोबाइल और ईमेल आईडी दर्ज करना होगा। कार्ड धारक को OTP द्वारा प्रमाणित करने के बाद कई चित्रों के मिश्रण का एक छोटा फ्रेम दिखाई देगा और कार्ड धारकों का एक चित्र चुनना होता है और इमेज को बाद के सभी ट्रांजेक्शन के लिए रखना होता है। इसे पंजीकृत के रूप में कहा जाता है और यदि कार्ड धारक पंजीकृत चित्रों को भूल जाते हैं तो उसे पुनः पंजीयन करना रहेगा। नेक्स्ट हम देखें, कार्ड धारक को एक वाक्यांश यानी अधिकतम 40 वर्ण तक प्रवेश करने के लिए कहा जाता है, जिसे भविष्य की ट्रांजेक्शन में
पहचान के लिए याद रखना होता है। कार्ड धारक को एक स्वयं परिवर्तनशील पिन पैड भी तेज दिखाई देता है और यह रुपए कार्ड की डिजाइन की तरह दिखाई देते हैं। यह प्रेस्ट कार्ड नंबर के अंतिम चार अंकों को दिखाई देता है जिससे शेष अंक छुपे हुए होते हैं। कार्ड धारक को केवल माउस क्लिक का उपयोग करके उसका सही एटीएम पिन दर्ज करना होता है। कीबोर्ड प्रविष्टि की अनुमति नहीं होती है। पिन को पैड हर बार एक अंक की दर्ज करने के बाद अंकों में परिवर्तन करता है और इस प्रकार यह एक अतिरिक्त शिक्षा सुविधा दी जाती है। स्वयं परिवर्तनशील पिन कोड का उपयोग करके सही एटीएम पिन दर्ज करने के बाद ट्रांजेक्शन सफल हो जाता है और ट्रांजेक्शन को बैंक के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उसके उपरांत कार्ड धारक को एक सफलता दर्शाता पेज प्रदर्शित करता है। अगला ट्रांजेक्शन यानी सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन की बात करें, मर्चेंट चेकआउट पेज पर ग्राहक को चाही गई सही रुपए कार्ड की जानकारी दर्ज करनी होती है, जैसे कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, एक्सपायरी डेट, सीवीवी। एक बार जब ग्राहक एक पंजीकृत रुपए कार्ड का विवरण दर्ज कर देगा तो कार्ड धारक सत्यापन के लिए सीधे चित्र चयन यानी कि इमेज सिलेक्शन पुनः रूट पर जाएगा और ओटीपी के केवल रुपए कार्ड के ताजा पंजीकरण के बाद का समय कार्ड के पुनः पंजीकरण के समय आवश्यक है और इस केस में कार्ड पहले ही पंजीकृत है इसलिए ओटीपी भाग प्रदर्शित नहीं होता है। कार्ड धारक को प्रदर्शित 20 छवियों में से सही इमेज जो पहले ट्रांजेक्शन के दौरान पंजीकृत हुई थी उनको पहचाना होगा। तो अगली स्क्रीन में सही छवि का चयन करने के बाद कार्ड धारकों के सामने एक वैकेंसी प्रेषित किया जाएगा। रुपए डेबिट कार्ड पिछले 3 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से तो यहाँ पर रुपए स्वीकार के लिए पंजीकरण के दौरान दर्ज किया गया है। अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए कार्ड धारकों का सही वाक्यांश को स्वीकार करना होगा। कार्ड धारकों का स्वयं परिवर्तन पिन पेज दिखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये बात करते हैं। यहाँ पर कार्ड की डिजाइन की तरह दिखाई देता है, कुछ कार्ड नंबर के अंकों 4 अंकों को दिखाई देगा, शेष अंक छिपे होते हैं। कार्ड धारक को केवल माउस क्लिक का उपयोग करके सही एटीएम पिन दर्ज करना होता है। कीबोर्ड प्रविष्टि की अनुमति नहीं होती है और पिन पैड हर बार एक अंक को दर्ज करने के बाद अंकों में परिवर्तन करता है। इस प्रकार यहाँ अति रिक्त शिक्षा सुविधा दी जाती है। सही पिन दर्ज करने के बाद जमा कर जमाने पर क्लिक करें। यहाँ पर तो यहाँ पर हम देखें एटीएम पिन दर्ज करने के बाद ट्रांजेक्शन सफल होगा और बैंक ट्रांजेक्शन की स्वीकृति देगा, उसके उपरांत ग्राहक का पहला सफलता ये दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि नेट बैंकिंग भुगतान की बात करें, आपको बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग भारत में सबसे लोकप्रिय भुगतान विधियों में से एक है। डेबिट कार्ड के द्वारा दी गई खरीद के समान ही सिवाय इसके कि आप इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करके भुगतान करते हैं। इस मामले में भी कि आपके द्वारा खरीदारी करने के बाद राशि तुरंत आपके बैंक खाते में काट ली जाएगी। नेट बैंकिंग से ऑनलाइन भुगतान करने की स्टेप क्या है, सुनिश्चित करें कि आपके खाते में पर्याप्त पैसा है। मर्चेंट वेबसाइट आपको अपनी भुगतान विधि के लिए पूछेगी। आपकी अपनी भुगतान विधि के रूप में नेट बैंकिंग को चुनना होगा। कुछ मामलों में मर्चेंट वेबसाइट आपको भुगतान गेटवे पर प्रदर्शित करेगी। विवरण दर्ज करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक प्रतीक और एक HTTP है। HTTPS का अर्थ हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर्ड होता है और टेस्ट लॉक और HTTP सुनिश्चित करते हैं कि जिस वेबसाइट का आप उपयोग कर रहे हैं वह सुरक्षित और सत्यापन नहीं है। भुगतान पद्धति के रूप में नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने के बाद अपने बैंक का चयन करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ आप अपना अपना बैंक खाता है वहाँ बताइए तो फिर आपको भुगतान करने के लिए बैंक की वेबसाइट पुनः प्रदर्शित करेगी। अपने खाते में लॉगिन करने के लिए आपको क्रेडेंशियल यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग करना होगा, लॉगिन करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट के भुगतान प्रक्रिया की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण के OTP का उपयोग करते हैं। OTP अपने बैंक खाते में पंजीकृत मोबाइल नंबर भेजा जाएगा। कुछ अतिरिक्त सुरक्षा और सुरक्षा डेबिट कार्ड ग्रेड आदि से पूछ सकते हैं। आप अपने बैंक से ट्रांजेक्शन के सफल समापन पर एक ट्रांजेक्शन अपडेट प्राप्त करेंगे और आपके द्वारा किए गए भुगतान के साथ किसी भी मुद्दे के मामले में यह उपयोगी हो सकता है। POS पॉइंट ऑफ सेल की बात करें, POS पॉइंट ऑफ सेल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल खुदरा स्थानों पर कार्य भुगतान में किया जाता है। एक POS टर्मिनल आमतौर पर सभी प्रकार के क्रेडिट और डेबिट कार्ड भुगतान की सुविधा देता है, जैसे कि किसी ग्राहक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जानकारी पड़ता है। यह जांचता है कि ग्राहक के
बैंक खाते में धनराशि प्राप्त है या नहीं, ग्राहकों को खाते से विक्रेता के खाते में धनराशि स्थानांतरित करना करता है या फिर क्रेडिट कार्ड से धन स्थानांतरित करता है, ट्रांजेक्शन दर्ज करना और एक रसीद प्रिंट करना, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद रिफ्रेश करें ना कि क्योंकि यहाँ पर हम देखें मेरे पेमेंट पर क्लिक करने के बाद रिफ्रेश कभी भी ना करें क्योंकि पेमेंट गेटवे की साइट पर सफलता पूर्वक भुगतान होने के बाद पेमेंट मर्चेंट की साइट पर स्थानांतरित हो जाता है। फिर हम देखें यहाँ पर जैसे कि मोबाइल भुगतान, मोबाइल भुगतान की बात करें, मोबाइल भुगतान आमतौर पर मोबाइल डिवाइसेस से है और इसके द्वारा दी जाने वाली भुगतान सेवाओं में संबंधित है, इन्हें मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट या डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है। जैसे कि सेवाएं वित्तीय नियमों के तहत संचालित की जाती हैं, एक कई मोबाइल भुगतान सेवाएं इनका इस्तेमाल भारत में किया जाता है, जैसे डिजिटल मोबाइल वॉलेट, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम गाय इंटरफेस ऑन मंडे, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। नेक्स्ट हम देखें मोबाइल डिजिटल वॉलेट की बात करें, मोबाइल वॉलेट भौतिक वॉलेट बटुए का डिजिटल समतुल है, इसमें हम पैसे रखते हैं और यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या उपयोगकर्ता के बैंक अकाउंट की तरह पैसे रखने की सुविधा देता है। किसी उपयोगकर्ता को मोबाइल वॉलेट प्रदान करने के लिए एक खाता बनाने की आवश्यकता होती तो मोबाइल वॉलेट खाते में डेबिट क्रेडिट और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नकदी और इसके माध्यम से पैसा यहाँ पर हम देखें बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना। मोबाइल वॉलेट के बीच के अंतर यह है कि बैंकों के विपरीत मोबाइल वॉलेट में प्रत्येक ट्रांजेक्शन में कितनी राशि है कि कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर ट्रांजेक्शन पर अनावश्यक कार्ड विवरण प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। आसान और सुविधाजनक है क्योंकि उपयोगकर्ता के लिए खाते में साइन इन और साइन अप करना पड़ता है। भारत में कई मोबाइल वॉलेट उपलब्ध हैं, कुछ बैंकों के द्वारा कुछ निजी कंपनियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये ज़्यादातर सेवाएं और एक ही प्रकार की ऑपरेटिंग प्रक्रिया प्रदान करती है। मोबाइल वॉलेट के कुछ उदाहरण जैसे पेटीएम है, SBI है, फ्री रिचार्ज है, मोबीविक है, फोनपे है, अमेजन है। तो यहाँ पर पेयू मनी है, एयरटेल मनी है, जियो मनी है और वोडाफोन एम पैसा है, एक्सिस बैंक लिमिट है, ICICI बैंक है, पॉकेट है, SBI Pay है, ये सभी हैं। पेटीएम की बात करें, पेटीएम को आप अपनी वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन। अपने मोबाइल पर एक बार डाउनलोड और इंस्टॉल कर किए जाने के बाद आपको मोबाइल नंबर के द्वारा खुद को पंजीकृत करने और खाता बनाने के लिए आप पंजीकरण के बिना पेटीएम चला रहे हो तो यहाँ पर आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। एक बार लॉगिन करने के बाद आप पेटीएम पर उपलब्ध किसी भी सेवा जैसे कि ट्रांजेक्शन करने, अपने वॉलेट में पैसे जोड़ने, अपने वॉलेट के लेन देन की जांच करना, किसी ने प्रोग्राम खाता धारक को पैसे देना, यूटिलिटी बिल को भुगतान करना, अपने मोबाइल नंबर पर रिचार्ज कर सकना, आप फिल्म, ट्रेन, बस, जहाज, हवाई जहाज और इवेंट टिकट आदि की भुगतान करना। आप अपने पेटीएम वॉलेट में रिचार्ज, पैसे जोड़ने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नई बैंकिंग जैसे किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। एड मनी फीचर का उपयोग कर सकते हैं और वॉलेट में पैसे जोड़ने के लिए इसका चरणबद्ध तरीके से अनुसरण करेंगे। भारत में कई व्यापारी हैं जो पेटीएम के माध्यम से स्वीकार करते हैं। उनकी खरीद के बाद आप मर्चेंट के मोबाइल या ईमेल का उपयोग व्यापारी को पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं। व्यापारी के लिए पेटीएम का मान निर्दिष्ट है, पी प्रिंट के द्वारा सेक्युलर कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप मर्चेंट को अपने वॉलेट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप वॉलेट के माध्यम से किसी को भी राशि भेजना चाहते हैं तो आपको अपने वॉलेट में बैलेंस और धनराशि रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम देखें
रिचार्ज, ई कॉमर्स वेबसाइट, मोबाइल वॉलेट जो भारत में प्रीपेड है, मोबाइल फोन पोस्ट पेड मोबाइल फोन, डीटीएच डेटा कार्ड जारी करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना, हर प्रति व्यक्ति चैट और पे सुविधा प्रदान करता है, दोनों फ्रीक्वेंसी उपकरणों को अपने रिचार्ज वॉलेट से अपने तो यहाँ पर हम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, और कुछ रोचक सुविधाएं भी प्रदान करता है जैसे कि स्टेट बैंक बड़ी। तो स्टेट बैंक बड़ी इसके स्मार्टफोन हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ बनाया गया मोबाइल वॉलेट है, और यह एक अर्ध बंद प्रीपेड वॉलेट है। इसका इस्तेमाल अन्य वॉलेट के यहाँ पर हम देखें कि कभी भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। आज स्टेट बैंक को बड़ी गूगल प्ले स्टोर पर खोज करने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल होने के बाद इसे खोल सकते हैं और आपका फेसबुक अकाउंट मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखें जैसे कि पैसे भेजना, अपना विवरण देखना, अपने SBI बॉडी को निम्नलिखित करना, प्रीपेड मोबाइल और DTH आदि, अपने बिलों को भुगतान करना, मोड टिकट बुक करना, मूवी का टिकट बुक करना, यहाँ पर ऑनलाइन मर्चेंट भुगतान करना। फिर हम देखें UPI यानी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मैं डाउनलोड किया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने नाम, यूजर नेम, ID, पासवर्ड की आवश्यकता होगी, फिर अपने डाल देंगे। आपके MPIN मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर तैयार करना होगा, क्योंकि यह मोबाइल के माध्यम से किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए आवश्यक होता है। MPIN जनरेट करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखें एक बैंक खाते का चयन करें, वहाँ से आप ट्रांजेक्शन शुरू करना चाहते हैं। मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण जनरेट में विकल्प का चयन करें, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जारी करता बैंक वन टाइम पासवर्ड प्राप्त हो रहा होता है। आपको डेबिट कार्ड नंबर के अंतिम 6 अंक और समाप्ति तिथि दर्ज करने होंगे। OTP और पसंदीदा संख्यात्मक MPIN जो कि एक आपको सेट करना है, दर्ज को सबमिट करने के बाद MPIN बदलने के लिए नोटिफिकेशन, और MPIN के पसंदीदा MPIN के सेट करना, दर्ज करना, सबमिट करना। सबमिट करने के बाद ग्राहकों को नोटिफिकेशन सक्सेसफुल भी प्राप्त होता है। आप आत्म व्याख्यात्मक चरणों का भुगतान करने के लिए उस वर्चुअल पते का इस्तेमाल यानी उपयोग कर धन भेज रहा है। उन वर्चुअल पते का उपयोग करने के लिए पैसे मंगवाने का अनुरोध है। सबसे प्राप्तकर्ता अनुरोधों को अपने बैंक खाते के क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक में ही मैसेज प्राप्त करो। तो भीम ऐप की बात करें, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो भीम UPI पर आधारित अब एक एकीकृत भुगतान समाधान सॉल्यूशन डुप्लीकेशन है। यदि आपको अपने बैंक खाते में UPI आधारित भुगतान के लिए साइन अप किया गया है, तो आप मोबाइल नंबर में से जुड़ा हुआ है, आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के बाद भीम ऐप का उपयोग करने से सक्षम होंगे। यह सभी भारतीय बैंक शामिल होने से तत्काल भुगतान सेवाओं के आधार पर बने प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, और उपयोग की किसी भी दर पार्टियों के बैंक खाते के लिए तुरंत धन मिलता नहीं है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि एंड्रॉयड और iOS उपयोगकर्ता भीम ऐप की खोज प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और अपनी भाषा चुनें। ऐप अपने SMS के उपयोग से आपको फोन नंबर सत्यापित करने के लिए संकेत देगा, और उसके उपरांत नेक्स्ट क्लिक करके सत्यापित प्रक्रिया पूरी कर देंगे। एक बार सत्यापन पूर्ण हो जाने पर 4 अंकों का पासवर्ड दिखाई देगा। पासवर्ड सेट करने के बाद आप बैंक का चयन कर सकते हैं। अगर बैंक का चयन करने के बाद आपको फोन नंबर का उपयोग करने विवरण का स्वचालित रूप से उठता है। प्राथमिक बैंक खातों में चयन की उनकी लेन देन जैसे 3 विकल्प होते हैं, जैसे सेंड है, रिक्वेस्ट है और स्कैन है।
ट्रांजेक्शन केवल सत्यापित फोन नंबरों के बीच ही संभव है। किसी को पैसे भेजने के लिए अपने फोन नंबर को स्थापित करने वाली राशि और उसके द्वारा एम पिन को दर्ज कर किया गया। आमतौर पर 1 लाख ग्राहकों को तो यहाँ पर हम देखें इतिहास, आप अपने फोन नंबर का उपयोग करने के भी धन मंगवाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। तीसरा विकल्प है स्कैन एंड पे, उपयोगकर्ता को QR कोड का उपयोग करके स्थानांतरित करने के लिए अनुमति देता है जो कि स्मार्टफोन टैबलेट के डिकोड किया जाता है। आप एक बहुआयामी काले और सफेद भगोड़े डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, बार मोड होता है और फोन नंबर का एक और कोड होता है। USSD की बात करें, USSD इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डिसाइडेड, USSD होता है यह सेवा बुनियादी सुरक्षा पुनः मोबाइल फोन का उपयोग करने के बाद मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन की अनुमति देती है। और USSD में सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्ट होना जरूरी है। यह सेवा करने से मोबाइल फोन पर संख्या 9*99# डायल करके इस्तेमाल की जाती है। इसमें दूरदराज सेवा प्रदाताओं में एक समान होता है और ऑटोमोबाइल स्क्रीन का प्रदर्शन करते हुए इंटरेक्टिव मेनू में यह सेवा काम करती है और हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है। जैसे कि USSD 10,000 की सीमा है तो बैंक खातों की विभिन्न होती है। सेल्फ सर्विस मोड पर चलता है और आपको ट्रांजेक्शन के लिए मोबाइल मनी पंजीकरण यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन और एम पिन की आवश्यकता होगी। USSD बहुत अच्छी होनी चाहिए। बैलेंस पूछताछ की मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, MMID, ओम पिन और ये सारे OTP उत्पन्न करने वाले हैं। तो MIID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर पंजीकरण के बाद बैंक के द्वारा 7 अंकों की अंगूठी द्वारा संख्या जारी की जाती है और रिमिटर ग्राहकों को जो पैसा भेजता है। बेनिफिशियरी यानी ग्राहक जो धन प्राप्त करता है मोबाइल नंबर और MMID के माध्यम से एक इंटरनेट बैंकिंग फंड का उपयोग करता है, उसके पास MMID को होना आवश्यक है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS बैंक खाते में धनराशि प्राप्त करने का तरीका, धनराशि यानी धन प्राप्त करने की व्यवस्था को हस्ताक्षर और नए डेबिट कार्ड तो यहाँ पर हम देखें आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS बैंक खाते में धनराशि प्राप्त करने का तरीका है। धन प्राप्त करने की यह व्यवस्था है कि हस्ताक्षर और नई डेबिट कार्ड मांग करती है। प्रमाणीकरण के लिए आधार डेटा का लाभ करती है और UPI USSD की तरह यह भारत के राष्ट्रीय विनिमय की एक और पहल है। नेक्स्ट हम देखें AEPS मशीन है जिसे माइक्रो ATM भी कहा जाता है। यह मशीन POS मशीन के सामने तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि माइक्रो ATM भी कहा जाता है मशीन OS मशीनों के समान जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्वीकार करते हैं। एकमात्र अंतर होता है कि यहाँ पर बरसाता है कि जल्दी उठा लेते हैं, लेकिन इसमें कोई भी कार्ड के बजाय आपको अपने बायोमेट्रिक आमतौर पर फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हुए भुगतान को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यापारी से भुगतान स्वीकार करने की जरूरत है, वह आधार संख्या और राशि महीने में मौजूद टच इंटरफेस का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ग्राहकों को अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग करने के बाद भुगतान को प्रमाणित करना होता है तो उस बैंक के खाते से काट ली जाती है और ग्राहक के आधार संख्या से जुड़ी रहती है और व्यापारी के बैंक खाते में जमा हो जाती है। तो मोबाइल ऐप के माध्यम से ताकि व्यापारी फिंगर प्रिंट स्कैनर युक्त सैलरी नहीं देंगे। UPI का पूरा नाम और मोबाइल वॉलेट की कुछ विशेषताएं हम देखें यहाँ पर। तो गूगल तेज है, गूगल तेज एक मोबाइल पेमेंट सर्विस है जो भारत के यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तेज एक हिंदी भाषा है जिसका अंग्रेजी में अर्थ फॉरेस्ट का होता है और यह भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस के ऊपर चल रहा था। तो इसका इस्तेमाल सभी जगहों पर किया जा सकता है जहाँ UPI पेमेंट स्वीकार किया जाता है। गूगल पेज भारत में प्रयोग किया जाने वाला अधिकांश
स्मार्टफोन को भर करता है। नेक्स्ट टाइम देखें, गूगल पे दोनों iOS और एंड्रॉइड पर आधारित डिवाइसेज हेतु कंपेटेबल और डाउनलोड हेतु उपलब्ध है, तो गूगल तेज होगा। ये फिर हम देखें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर हम देखें, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते खोलने के लिए न्यूनतम राशि की आवश्यकता क्या है, तो न्यूनतम राशि यहाँ पर शून्य से भी खुल सकता है, जनधन खाते शून्य से भी खुल सकते हैं। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया गया, तो पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग है पैसा भेजने के लिए किया गया। कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा है, तो ऑनलाइन बैंकिंग का जो फायदा है वो है उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होना। SBI BD बड़ी क्या है, SBI बड़ी क्या होता है, SBI बड़ी होता है मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, या SBI बड़ी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक ऐसी विशेषता नहीं है, तो कौन सी क्रेडिट कार्ड की ऐसी विशेषता नहीं है, वह खरीदे और एक साथ भुगतान करें। कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है यहाँ पर, तो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड। रुपे डेबिट कार्ड का क्या है यहाँ पर, रुपे डेबिट कार्ड है वो एक तरीके से है ATM और POS मशीन पर स्वीकृत हो सकता है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड है, घरेलू डेबिट कार्ड भी कह सकते हैं। OTP का पूरा नाम क्या है, OTP का पूरा नाम है यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड। कौन से निम्न से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो भामाशाह योजना के कथन में यहाँ पर आधार कार्ड अनिवार्य है, ये सही है। कौन सा PMJDY से जुड़े हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से कौन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा, 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर, 1,00,000 रुपये की दुर्घटना बीमा कवर, ये सभी इसमें जुड़े हुए हैं।